अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहबाज खान आपका एक बार फिर खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ एमजी कोचिंग एकेडमी जवाहर नगर पुलिस लाइन के सामने सवाई माधोपुर। जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है और अभी यूट्यूब पर कुछ वीडियो आपके लिए अपलोड की जा रही है ताकि आप उन्हें समझ लें और आप उनको समझ आ जाए तो हमारे चैनल, हमारे जो कोर्स है उसको परचेज करें। पेड कोर्स है एमजी एकेडमी पर, उसको आप पेड कोर्स को ले लें, ठीक है। तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अफसाना। क्या पढ़ा था? अफसाना पढ़ा था और अफसाने के बारे में हमने कुछ जानकारी इकट्ठी की थी, कुछ तफसीलात उसके बारे में देखी थी, कुछ नॉलेज देखी थी। और जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया था वो हिंदी वालों के लिए बनाया था और उनके बहुत पॉजिटिव कमेंट मेरे पास आए कि सर हम ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट तो नहीं कहूँगा, उन लोगों का कहना भी सही है कि आप उर्दू को उर्दू में ही पढ़ाएं। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी ये कि उर्दू और हिंदी दोनों मीडियमों में मैं अपनी क्लास दूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस हिंदी पर ही रहेगा और कुछ हिस्सा जैसे आप लोग कह रहे हैं कि उर्दू में लिखें तो उर्दू में भी लिखा जाएगा, ऐसे में जिससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि मैं उर्दू जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। और परिचय का तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं शाहबाज खान फर्स्ट ग्रेड में इस साल सेकेंड रैंक हासिल की है। तो अब हम अफसाने को आगे बढ़ाते हैं और अफसाने के कल हमने चार पार्ट देख लिए थे, चौथा पार्ट था अफसाने का आगाज और इर्तिका। आगाज इर्तिका, यह हमारा कल का चौथा पॉइंट था, अफसाने का आगाज वे इर्तिका, ठीक है। अफसाने का आगाज और इर्तिका, और इसमें हम आठ लाइन लिख चुके थे, नवी लाइन लिखेंगे आज। ठीक है, नवी लाइन लिखेंगे। उर्दू में 1960 ईस्वी के आसपास, 1960 ईस्वी के आसपास अलामती वे तजरीदी, अलामती वे तजरीदी अफसाने वजूद में आए, अफसाने वजूद में आए। क्या लिखा हमने? 1960 के आसपास, 1960 ईस्वी के आसपास उर्दू में आसपास अलामती वे तजरीदी अफसाने वजूद में आए, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2016 में कि उर्दू में अलामती और तजरीदी अफसाने कब से वजूद में आए। तो हम कह देंगे कब से वजूद में आए, 1960 ईस्वी से। कब से वजूद में आए? 1960 ईस्वी से। कब से वजूद में आए? 1960 ईस्वी से, ठीक है। अलामती और तजरीदी अफसाने वो अफसाने होते थे, एक तो इशारी, अलामत यानी क्या होता है? इशारी। इनमें कहानीपन नहीं पाया जाता था, बल्कि अफसाना निगार खुद अपने बारे में ही अपनी अंदरूनी कैफियत को ही जाहिर करता था, वही अलामती और तजरीदी अफसाने कहलाते थे, ठीक है। इनमें कहानीपन नहीं पाया जाता था, ठीक है। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं अपना, ये हो गया। इसके बाद हमारा बचा था उर्दू में मशहूर अफसाना निगार और उनके अफसाने।
मशहूर अफसाना निगार वे उनके अफसाने मशहूर अफसाना निगार और उनके अफसाने मशहूर अफसाना निगार और उनके अफसाने ठीक है। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार और उनके अफसाने एक तरफ हिंदी में चल रहा है, एक तरफ उर्दू में चल रहा है। जितनी जरूरत होगी उर्दू में लिखने की वो मैं साथ में लिख दूंगा ठीक है। सबसे पहला नाम आता है अफसाने का बादशाह कौन था, तो सबसे पहला नाम आता है प्रेमचंद का। प्रेमचंद, प्रेमचंद के कौन कौन से अफसाने हैं? प्रेमचंद का अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न दूसरा है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा। तीसरा है कौल का पास। कौल का पास। चौथा है पूस की रात। पांचवा है अमावस की रात। कौल का पास, पूस की रात, अमावस की रात, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी, शांति, दो बहनें, नई बीवी, मालकिन, नोक झोक, कातिल, इंसाफ की पुलिस, इंसाफ की पुलिस, कफन, कातिल की मां, कातिल की मां, सौतेली मां, मासूम बच्चा, गिल्ली डंडा, ईदगाह, शिकारी, सत्याग्रह, निजात, सवा शेर गेहूं, और जेवर का डिब्बा। और भी हैं, ये मोस्ट हैं। जेवर का ठीक है।
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सबसे अनमोल रत्न, नमक का दारोगा, या दारोगा ऐसे भी आ जाएगा, दरोगा है ना, नमक का दारोगा, कॉल का पास, पूस की रात, अमावस की रात है ना, कॉल का पास, पूस की रात, अमावस की रात, शांति, दो बहनें, दो बहनें, नोक झोंक, कातिल, इंसाफ की पुलिस, इंसाफ की पुलिस, कातिल की माँ, सौतेली माँ है ना, कातिल की माँ, सौतेली माँ, और कौन सा, ईदगाह, और शिकारी, ये तो आप लिख लेंगे सीधे सीधे, तो शिकारी, जेवर का डिब्बा वगैरह। अब हम ये याद कैसे करेंगे, देखो इसकी आपने तो कह दिया, आपने सोच रहे होंगे सर इतने सारे कैसे याद होंगे, एक कहानी सी है बस वो याद रखना। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कौन है, नमक का दारोगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बच्चों के लिए है ना, ये तो बहुत अनमोल है, वैसे ही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कौन है, नमक का दारोगा है। कौन है, नमक का दारोगा, जो क्या है, कॉल का पास यानी बात का पक्का है। पूस की रात और अमावस की रात वो बड़े घर की बेटी शांति से मिलने जाता है। पूस की रात, अमावस की रात बड़े घर की बेटी किससे मिलने जाता है, शांति से मिलने जाता है, जो कितनी बहनें होती हैं, दो बहनें होती हैं। वो उससे कहता है शांति से, मैं तुझे अपने घर, अपनी नई बीवी बनाना चाहता हूँ, घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। लेकिन उन दोनों में क्या हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है, उन दोनों में क्या हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है। यहाँ पे एक और आएगा, सफेद खून, सफेद खून, और उस नोक झोंक में इंसान इतना गुस्से में आ जाता है कि उसकी आंखों में खून नजर, खून उतर जाता है। वो कैसे कलर का होता है, सफेद खून, ठीक है। और वो गुस्से में क्या करता है, उसका कत्ल कर देता है, कत्ल कर देता है तो क्या बन जाता है, कातिल। कत्ल करने के बाद इंसाफ की पुलिस आती है, क्या आती है, इंसाफ की पुलिस आती है, और वो उसे लाश को क्या पहनाती है, कफन पहनाती है। फिर कातिल की माँ को बुलाया जाता है, जो कि सौतेली माँ होती है। वो कहती है, मेरा बच्चा तो मासूम बच्चा है, गिल्ली डंडे खेलने के दिन है, ईदगाह के मैदान में गिल्ली डंडा खेलता है। पुलिस कहती है, ये मासूम बच्चा नहीं है बल्कि क्या है, एक शिकारी है। और पुलिस उसे खले जाती है जेल में, वहां पे वो निजात पाने के लिए सत्याग्रह करता है। निजात पाने के लिए क्या कर देता है, कौन, सत्याग्रह स्टार्ट कर देता है। फिर उससे पूछा जाता है, भाई तू सत्याग्रह क्यों कर रहा है, तो वो फिर अपनी जो वारदात की हुई है उसने, उसके बारे में बताता है कि जिसने, ये शांति ने, सवा शेर गेहूं के लिए मेरा जेवर का डिब्बा भेज दिया था, इसलिए मैंने इसका कत्ल करा। एक बार फिर से सुन लें, जो आपके एक बार जहन में आसानी समझ में आ जाएगी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन है नमक का दारोगा, जो कॉल का पास है, पूछ की रात है, अमावस की रात है, बड़े घर की बेटी से मिलने जाता है शांति से, जो दो बहनें होती हैं। उससे कहता है, मैं तुझे अपनी नई बीवी बनाना चाहता हूँ, घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। इन दोनों में हो जाती है नोक झोंक, और उसके आंखों में उतर जाता है सफेद खून। वो उसका कत्ल कर देता है, कातिल बन जाता है। कातिल होने के बाद इंसाफ की पुलिस आती है, इंसाफ की पुलिस उसे कफन पहनाती है। कफन पहनाने के बाद जो कातिल होता है, उसकी कातिल की माँ को बुलाया जाता है, जो सौतेली माँ होती है। सौतेली माँ कहती है, मेरा बच्चा मासूम है, गिल्ली डंडा खेलने के दिन है, ईदगाह के मैदान में गिल्ली डंडा खेलता है। वो कहता है कि ये मासूम बच्चा नहीं है बल्कि ये शिकारी है, और उसे ले जाती है जेल। निजात, जेल में निजात पाने के लिए वो सत्याग्रह करता है। जब पुलिस वाले पूछते हैं उससे, तूने ऐसा क्यों किया, वो कहता है, सवा शेर गेहूं के लिए, वो सवा शेर गेहूं के लिए इसने मेरा जेवर का डिब्बा बेच दिया। ये थे प्रेमचंद के कुछ अफसाने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रेमचंद के, प्रेम चंद के अफसानवी मजमुए,
अफसान भी मजमूए। एक बात और ध्यान रखना मेरी, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे कभी वो प्रेमचंद का अफसाना पूछेगा तो वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसे। कफन यही पूछेगा, 90% जब वो प्रेमचंद का अफसाना पूछेगा तो वो यही अफसाना पूछेगा, कौन सा कि प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है, कफन। और कल जो मैंने सवाल पूछा था आपसे कि प्रेमचंद ने किस अफसाने से प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, उसका आंसर है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी वो अफसाना है प्रेमचंद का जिसमें उन्होंने किस नाम से लिखना शुरू किया, प्रेमचंद के नाम से। अब हम वापस वहीं चलते हैं, प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए। प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए पहला है सोजे वतन, जो अंग्रेजी हुकूमत ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। फिर है प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम चालीसी। यह आसान है ना, इनको तो प्रेम प्रेम आगे लग ही रहा है। प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम चालीसी। दूध की कीमत, वारदात, जादरा, आखिरी तोहफा, ख्वाब व ख्याल, फिरदौस ख्याल, और खाके परवाना। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ इधर उर्दू में। चल ही रहे प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए। सोजे वतन, प्रेम पच्चीसी, बत्तीसी, चालीसी, ये तो लिखा में आ जाएंगे। दूध की कीमत, वारदात, जादरा, आखिरी तो वारदात, आखिरी तोहफा, आखिरी तोहफा, खा के परवाना, वगैरह वगैरह। कैसे याद करेंगे प्रेमचंद का सबसे पहला सबसे फेमस, क्योंकि ये जब्त हो गया था, अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था, वेरी वेरी मोस्ट है ये। ठीक है, सोजे वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत, वारदात। वारदात किसके साथ हुई, जादरा के साथ। जादरा ने आखिरी तोहफा दिया था और वो आखिरी तोहफा चोरी हो गया प्रेमचंद का। ठीक है, तो ख्वाबो ख्याल में, प्रेमचंद के ख्वाबो ख्याल में एनी टाइम वही तोहफा घूमता है, और फिर वो फिरदौस ख्याल, फिरदौस यानी जन्नत, वो खा के परवाना, परवाने की तरह प्रेमचंद उस ख्वाबो ख्याल में परवाने की तरह सोचते रहते हैं कि मेरा वो आखिरी तोहफा जो दिया था वो कहाँ गया, किसने चुरा लिया। ठीक है, प्रेमचंद के बाद दूसरे हैं अपने
सज्जाद हैदर यलदरम, सज्जाद हैदर यलदरम का है अफसानवी मजमुआ ख्यालिस्तान, जो कि तुर्की अफसानों का मजमुआ है ख्यालिस्तान। अब देखो सज्जाद हैदर यलदरम के बारे में मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, सज्जाद हैदर यलदरम का इंशायक है, उसमें हम इनके बारे में खूब डेफिनेशन से पढ़ेंगे। अभी इनके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ अफसाना पढ़ रहे हैं ख्यालिस्तान। सज्जाद हैदर यलदरम का कौन सा है, ख्यालिस्तान। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिखे हैं यहां तक सज्जाद, यहां तक लिख लें सज्जाद हैदर यलदरम का कौन सा है ख्यालिस्तान, सज्जाद हैदर यलदरम का कौन सा है ख्यालिस्तान। फिर है नेक्स्ट पेज चलते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, कि अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। उपेंद्र नाथ अश्क हैं ढांची कोपल कफ्स नासूर, ढांची कोमल कफ्स नासूर चट्टान पलंग। ठीक है, लिखें उपेंद्र नाथ अश्क के लिखें ढांची कोमल कफ्स नासूर चट्टान पलंग, अश्क साहब के, उपेंद्र नाथ अश्क के नाची कोपल कप्स नासूर और चट्टान पलंग वगैरह। ठीक है, और तो आसान है, लिख लेंगे ढांची कोमल कप्स कसूर कप्स नासूर चट्टान और पलंग लिखें। ठीक है, लिखें जल्दी से। लिखें आराम से। चौथा है अली अब्बास हुसैनी, अली अब्बास हुसैनी अली अब्बास हुसैनी का है आईसीएस बासी फूल कुछ हंसी नहीं और भी हैं इनके जैसे स्पेक्टर की वगैरह वगैरह, लेकिन मोस्टली यही है आईसीएस बासी फूल कुछ हंसी नहीं। अली अब्बास हुसैनी कौन से हैं, अली अब्बास हुसैनी के हैं आईसीएस, वो तो हो जाएगा बासी फूल कुछ हंसी नहीं, कुछ हंसी नहीं। ठीक है, आईसीएस बासी फूल कुछ हंसी नहीं, जल्दी लिखें। ठीक है,
पांचवा लिखें, लिख लिया ना यहां तक, पांचवा लिखें अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी ने क्या राय पेश की, अख्तर हुसैन रायपुरी ने राय पेश की जिंदगी का मेला, जिंदगी क्या है, मेला है, जिंदगी का मेला मोहब्बत से गुजारो ना कि नफरत से, मोहब्बत में नफरत, मोहब्बत वे नफरत। देखो यार, याद तो करने ही पड़ेंगे, इनका कोई तोड़ नहीं है, बस ये है जैसे अली अब्बास हुसैनी, हजरत अली, हजरत अब्बास और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, आईसीएस से बासी फूल, इनके मतलब मजारों पे बासी फूल थोड़े चलाते हैं और इनके मजारों पे जाके अस्थि थोड़ी है, है ना, तो बासी फूल और कुछ ऐसी नहीं। अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी क्या राय दी कि जिंदगी का मेला, जिंदगी एक मेले के समान है और मोहब्बत वे नफरत, मोहब्बत से गुजारो नफरत से मत गुजारो। अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी का कौन सा है, जिंदगी का मेला, जिंदगी का मेला मोहब्बत वे नफरत। देखो वीडियो लंबी होगी क्योंकि अपन दोनों ही खत में लिख रहे हैं आज, ठीक है, हिंदी में भी लिख रहे हैं और उर्दू में भी लिख रहे हैं, ठीक है, और जिनको उर्दू में पसंद आए वो उर्दू में लिख लें, जिनको हिंदी में पसंद आए वो हिंदी में लिख लें, दोनों ही चल रही है, ठीक है। लिखें जल्दी से अख्तर हुसैन रायपुरी का जिंदगी का मेला मोहब्बत वे नफरत, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब जो नाम है वो एशिया के सबसे बड़ा अफसाना निगार कौन है, कृष्णचंद, कृष्णचंद के अफसानी मजमूए, कृष्णचंद के अफसानवी मजमूए, पहले हिंदी में लिख देता हूँ फिर उर्दू में लिख दूंगा, ठीक है, कृष्णचंद के अफसानवी मजमूए। इनका सबसे पहला अफसानवी मजमूआ है तिलिस्म ख्याल, तिलिस्म ख्याल कौन सा है, तिलिस्म ख्याल, ठीक है। आपसे पूछेगा, देखो ये अफसाना निगार और इनके अफसाने क्यों पढ़ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन के टू टाइप्स होंगे, या तो वो अफसाना देगा आपको, अफसाना देके पूछ लेगा किसका है, किसका है, या फिर वो इसमें दूसरा देगा कौन सा किसका नहीं है, कौन सा किसका नहीं है, और जब नहीं है वाला देगा ना तो एक बात ध्यान रखना, एक इंसान ने दो दो पांच पांच तो लिखे नहीं है, कईयों के दादा 60 है, 70 है, 70 अफसाने लिख दिए, किसी ने 80 लिख दिए, किसी ने 40 लिख दिए, किसी ने 10, किसी ने 20। जब भी किसी नहीं है में देगा ना, दूसरे का बहुत फेमस देगा, दूसरा जो अफसाना निगार है उसका बहुत फेमस अफसाना देगा ताकि आप आसानी से पकड़ सके, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन कैसा होगा कि ये है, ये है, ये है और ये नहीं है, ए है, बी है, सी है और डी नहीं है, आ रहा समझ में आता, इस तरीके से ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अफसाने आएंगे, फिर पूछेगा आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, समझ गए। अब देखें ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड 2018 में आया था, कब आया था, सेकेंड ग्रेड 2018 में, के सबसे पहला अफसाना कौन सा है, कृष्णचंद का तिलिस्म ख्याल, तिलिस्म ख्याल।
और कौन से हैं तो देखें, बहुत इजी ट्रिक है इसकी। जिंदगी के मोड़ पर, जिंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे, जिंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे, ए खुदा हम कैसे देखे नजारे। नजारे कि जिंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे कैसे देखे हम नजारे। अन्नदाता, अन्नदाता जो हमारे सिलेबस में है, अन्नदाता पुराने खुदा, आधे घंटे का खुदा, आधे घंटे का खुदा, आधे घंटे का खुदा, समंदर दूर है, समंदर दूर है, अजंता से आगे है, समंदर तो दूर है, अजंता से आगे है, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंडक है, एक गिरजा एक खंडक, एक गिरजा एक खंडक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे घूंघट की आड़ में गोरी चले, घूंघट की आड़ में गोरी चले, गोरी चले, घूंघट की आड़ में गोरी चले, एक रुपए में एक फूल बेचती है, एक रुपए में एक फूल, एक रुपए में एक फूल, ठीक है। कि जिंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे कैसे देखें हम नजारे। अन्नदाता पुराने खुदा, आधे घंटे का खुदा, समंदर दूर है, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंडक है, घूंघट के आड़ में गोरी चले, एक रुपए में एक फूल बेचती है। अब वो वहां जाने की सोच रहा है अपने किस में, ख्यालों में, हवाई किले बना रहा वो, हवाई किले। फिर आगे क्या होता है, हवाई किले, वहां पे मिलते हैं उसे तीन गुंडे। क्या मिलते हैं, तीन गुंडे जो कहते हैं हम वैशी हैं, हम वैशी हैं, और तुझे अपना नया गुलाम, नए गुलाम, नया गुलाम बनाएंगे। तो वो भी कहता है इस शमा के सामने, इस शमा के सामने कालू भंगी, इस शमा के सामने कालू भंगी, तेरी किताब का कफन बना दूंगा, किताब का कफन, किताब का कफन, ठीक है। देखें कुछ है ज्यादा है पता है, लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। ट्रिक क्या है, जिंदगी के मोड़, देखो एक ले बन जाएगी, जिंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे कैसे देखे हम नजारे। पुराने खुदा, अन्नदाता, अन्नदाता पुराने खुदा, तू आधे घंटे का खुदा है, समंदर दूर है, जहां मैं हूं वहां से नजारे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि समुंदर के नजारे नहीं दिख रहे हैं, समुंदर दूर है, अजंता से आगे, अजंता से आगे एक गिरजा एक खंडक है, वहां पर घूंघट के आड़ में गोरी चले, एक रुपए में एक फूल बेचती है। उसने क्या बना रहा है, ये सब अपने इमेजिनेशन कर रहा है, हवाई किले, वहां पे उसे तीन गुंडे मिलते हैं जो कहते हैं हम बेची हैं, तुझे अपना नया गुलाम बनाएंगे। वो कहता है इस शमा के सामने, यानी घूंघट के आड़ में जो गोरी चल रही है, शमा के सामने कालू भंगी, किताब का, तेरी किताब का क्या लिख दूंगा, किताब का सा कफन लिख दूंगा, ठीक है। लिखे, नोट डाउन करा इनको, अच्छा उर्दू में भी लिखूं, लिखो, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत फेमस कृष्ण चंद्र का, इनका बचपन कहाँ गुजरा, कृष्ण चंद्र का बचपन कहाँ गुजरा, कमेंट में करके बताना। देखें तिलिस में ख्याल, जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट है वो लिख देता हूँ, तिलिस में ख्याल, जिंदगी के मोड़ पे लिख लोगे टूटे हुए तारे, अन्नदाता, अन्नदाता, अंधा,
अंधाता आधे घंटे के समंदर दूर है अजंता से आगे एक गिरजा खंडक घूंघट के आड़ में गोरे चले एक रूप हम वहशी हैं हम वहशी हैं नए गुलाम शम्मा के सामने कालू भंगी किताब का कफन लिखे हैं ना नोट डाउन करें ठीक है और भी हैं बाकी देखो मोस्ट लिखा सकते हैं अपन ये उसी तरीके से है जैसे राजस्थान की कल्चर में एक टॉपिक लगता है राजस्थान साहित्य साहित्य की कोई कमी नहीं है इतने साहित्य हैं कि अगर लिखने बैठे तो साल भर कम पड़ जाए कि इस राइटर की ये क्योंकि कोई भी राइटर कम तो लिख नहीं रहा है बहुत ज़्यादा लिख रहा है तो इसीलिए मोस्ट पूछे जाते हैं और इसमें सबसे मोस्ट कौन सा है वो लिखवाई दिया मैंने ठीक है और एक ये वाला हम वहशी हैं एक ये है शमा के सामने कालू भंगी किताब का कफन एक और आता है इसमें मैं इंतजार करूंगा वहां पे वो कहता है एक गिरजा एक गंधक है वहां पे मैं इंतजार करूंगा घूंघट के आड़ में गोरी का ठीक है एक रुपए फूल हवाई किले एक ये भी इंपॉर्टेंट है हवाई किले शमा के सामने तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है ठीक है तिलिस्म ख्याल सेकंड ग्रेड में हम बेची हैं ये भी सब कहीं ना कहीं पूछे गए ठीक है लिख लें फिर इसके बाद देखें अगला प्रेम कृष्णचंद का पहला अफसाना यह लिख देता हूँ या अगले पेज पर ले लें कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा था यरकान पहला अफसाना कौन सा था यरकान पीलिया की बीमारी कहते हैं पीलिया की बीमारी को यरकान और लास्ट कौन सा था पागल यरकान और पागल हैं तो लिख लेंगे सीधा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम छह हो गए ना सातवां है सादत हुसैन मंटू सादत हुसैन मंटू सादत हुसैन मंटो इनके देखें सादत हुसैन मंटो के अफसाने ठंडा गोश्त देखो ये मैंने एक रिदम में लिख रखे हैं एक रिदम से याद होंगे ट्रिक ऑटोमेटिक ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है एक रिदम से अपन जब अल्फाजों को एक रिदम से सेट कर देते हैं तो जबान पे चढ़ जाते हैं आप दो तीन बार बोलोगे ना आपको याद हो जाएंगे ठीक है और अगर मेरे इस तरीके से सेट करने से किसी की भावनाओं को आहत होता हो तो मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन ये देख सिर्फ याद करने के लिए है ये सिर्फ क्या है याद करने के लिए सादत हुसैन मंटो पे याद रखना है कि इन पे फाश निगारी जिंस के बारे में यानी इंसानी शरीर के बारे में जिंस के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है इन पर पाश निगारी का इल्जाम लगाया गया और तवायफों के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है तो इनका है ठंडा गोश्त काली सलवार काली शलवार खोल दो ठंडा गोश्त काली शलवार खोल दो बू मोजेल शादा बू मोजेल शादा मेरा नाम राधा है
तो मेरा नाम भी क्या है, टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह। बाबू गोपीनाथ हतक और नया कानून कैसे याद करेंगे? सादा दशहर मंटो का देखो, ठंडा गोश्त, काली सलवार खोल दो बू मोजेल सादा, काली सलवार खोल दो बू मोजेल सादा। वो कहती है फिर मेरा नाम राधा है, तो वो कहता है मेरा नाम भी टोबा टैक्सिंग है और बाबू गोपीनाथ मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, लेकिन मैं भी अब क्या जानती हूँ, नया कानून जानती हूँ। ठीक है, तो सादत हुसैन मंटो के ये क्या थे, अफसाने। अब सादत हुसैन मंटो के अफसान भी मजमुए देखेंगे। खाली बोतल खाली डिब्बे सिया हासिए नमरूद की खुदाई बादशाहत का खात्मा। यजीद सड़क किनारे धुआं उड़ा रहा है। ठीक है, सादा दुश्मन मंटो के अफसान भी मजमू कौन से हैं? खाली बोतल, खाली डिब्बे, सिया हासिए, नमरूद की खुदाई की जो थी उस बादशाह का खात्मा हो गया, यजीद सड़क किनारे, लज्जत संग धुआं, और एक और है मौत चुगद। ठीक है, देखें इधर मंटो के अफसाने, ठंडा गोश्त, काली सलवार खोल दो बू मोजे शादा और मोजेल और तो लिख लोगे ना, मोजेल सादा, मेरा नाम राधा है, मेरा नाम बापू गोपीना अतक और नया कानून। ठीक है, फिर मजमू कौन से हो गए, खाली बोतल, खाली डिब्बे, सिया हासिए, नमरूद की खुदाई, बादशाह का खात्मा, यजीद सड़क किनारे, लज्जा संग धुआं और चुगत। ठीक है, अब अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जब तक आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले हैं राजेंद्र सिंह बेदी। अच्छा, सिलेबस याद हो गया होगा तो पता होगा राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना दिया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, लाजवंती। कौन सा दिया हुआ, लाजवंती। अब देखो राजेंद्र सिंह बेदी क्या कह रहे हैं लाजवंती से, लाजवंती 10 मिनट बारिश में भोला 500 पर ठहर
500 फट है। मैं अपना गरम कोट गरम कोट के लिए रुई तुलवा लाता हूँ, और महारानी का तोहफा। राजेंद्र सिंह बेदी के कौन कौन से अफसाने हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं लाजवंती, 10 मिनट बारिश में, भोला पान शोप, गरम कोट, तुला दान और महारानी का तोहफा। मोस्ट कौन सा? मोस्ट है गरम कोट। कितनी बार पूछा जा चुका गरम कोट किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का। आप तो कौन सा ये भी पूछा जाएगा, लाजवंती। ठीक है, याद कैसे करेंगे? उसने लाजवंती से कहा बारिश आ रही थी तो उसने लाजवंती से कहा, लाजवंती 10 मिनट बारिश में तू भोला पान शोप पे रुक, मैं अपने गरम कोट के लिए रुई तुलवा लाता हूँ और महारानी के लिए क्या ले आता हूँ, तोहफा भी ले आता हूँ। अब इनके अफसानी मजमू है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसान भी मजमू है। कोख जली लंबी लड़की, कोख जली लंबी लड़की अपने दुख मुझे दे दो। कोख जली लंबी लड़की अपने दुख मुझे दे दो, फिर क्योंकि तेरे तो क्या लग रहा है, ग्रहण लग रहा है, तेरे पे क्या लग रहा है, ग्रहण लग रहा। उसके बाद है दाना वे दवा हम रहमान के जूते और अपने हाथ कलम हुए। ठीक है, ये सब किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमू है। कोक जली लंबी लड़की अपने दुख किसे दे दो, मुझे दे दो, क्यों? क्योंकि तुम पे तो क्या लग रहा है, गरम। दाना में दबा हम अपने हाथ कलम हुए और रहमान के जूते। ठीक है, तो लाजवंती 10 मिनट में, ये तो आराम से लिख लेंगे आप। गरम कोट, ठीक है, तुलादान, महारानी का तोहफा, ठीक है, कोक जली लंबी लड़की अपने दुख मुझे दे दो, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखें, यहाँ तक लिखें, फिर राजेंद्र सिंह बेदी का लिखें। राजेंद्र सिंह बेदी के बाद आज का हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट लिखेंगे हम अस्मत चुगताई। अस्मत चुगताई के अफसाने हैं कौन कौन से? चौथी का जोड़ा होता है ना, दुल्हन पहनती है, चौथी का जोड़ा कैसी होती है? इसमें कुछ अफसाने और अफसाने भी मजमू साथ साथ है, वो मैं बता दूंगा अभी कौन से अफसाने भी मजमू है। चौथी का जोड़ा में दुल्हन कैसी होती है? कलियों की तरह होती है, कलियां। हाथ लगाओ तो ऐसी लगती छुई मुई किस तरह, छुई मुई। ठीक है, एक है लिहाफ यानी होती है, क्या होती है लिहाफ यानी? रजाई। लिहाफ यानी क्या होता है? रजाई। चौथी का जोड़ा कलियां छोटे छुई मुई लिहाफ में क्या मिलते हैं? फिर क्या मिलते हैं? दो हाथ मिलते हैं। फिर क्या लगती है? चोटें लगती हैं।
फिर क्या याद आती है? नन्नी की नानी। बिज्जो फूफी, फूफी नानी सब याद आ जाती है। बिज्जो की फूफी और फिर क्या होता है? बच्चा, कौन सा? मुगल बच्चा, मुगल बच्चा। ठीक है, देखो ट्रक जब तक आप सिस्टमेटिक ढंग से सेट नहीं करेंगे याद नहीं होंगे, ये एक के दस दस बारह बारह हैं, तो उसी हिसाब से सेट करें। किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। चौथी के जोड़े में दुल्हन होती है कलियों किस तरह, छुई मुई किस तरह, लिहाफ चादर या रजाई, दो हाथ मिलते हैं, चोटें लगती है, नन्नी नानी और बिज्जू फूफी सब याद आ जाती है, और बच्चा होता है शादी के बाद, कौन सा नाम है उसका? मुगल बच्चा। ठीक है, यहां तक लिखें तो इसमें मोस्ट कौन सा है? इसमें मोस्ट है भाई, एक तो है चौथी का जोड़ा, चौथी का जोड़ा, एक है मुगल बच्चा और एक है लिहाफ। लिहाफ कौन सा? लिहाफ। चौथी का जोड़ा पिछली सेकंड ग्रेड में था, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। मुगल बच्चा पीजीटी में आया था अभी दिल्ली में। और लिहाफ ये वो अफसाना था जिस पे कि फांस निगारी का इल्जाम लगा था। पुरिया निगारी, फांस निगारी यानी बकवास, जिसमें जिंस के बारे में, जिस्म के बारे में बातें की गई हो। ठीक है, ये आ गए अस्मत चुगताई के बाद। लिखना है कि कुछ उर्दू में लिखू? चौथी का जो वैसे सीधे ही है, मुगल बच्चा। मुगल बच्चा पिज्जो खिलाने, दो हाथ, दो हाथ, चौथी का जोड़ा। ठीक है, अब लास्ट, आज का लास्ट लिखेंगे कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा अफसाना अपने सिलेबस में दिया हुआ है? जल्दी बताओ कमेंट में, कौन सा दिया हुआ है? फोटोग्राफर, कौन सा दे रखा है? फोटोग्राफर। फ्लोवर ऑफ जॉर्जिया, के एतराफात में, के एतराफात में ये तो इनके अफसाने हैं, जिसमें मोस्ट कौन सा है? फोटोग्राफर। और भी हैं लेकिन मोस्ट ये है फोटोग्राफर। अब इनके अफसानवी मजमुए कौन से? मजमुए पे से आएगा क्वेश्चन। कुर्रतुल ऐन हैदर जब भी देगा तो वो किस पे से देगा? मजमुए पे से देगा। और मजमुए हैं इनके, देखो मजमुए देखें, रोशनी की रफ्तार, शीशे के घर, शीशे का, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, पतझड़ की आवाज। लिखें लिखें, रोशनी की रफ्तार, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, और सितारों से आगे, सितारों से आगे। तो कैसे याद करेंगे? देखो सितारों से आगे शीशे के घर, सितारों से आगे शीशे के घर, रोशनी की रफ्तार, पतझड़ की आवाज, सितारों से आगे शीशे के घर, रोशनी की रफ्तार और पतझड़ की आवाज। ठीक है, आज की हमारी क्लास को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और
जो हमारा मौजू चल रहा है अफसाना निगार और उनके अफसाने इसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा खैर मकदम, सलाम, बाय, अल्लाह हाफिज़।